नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को बस आप लोग 2 से 3 मिनट तक बिना स्किप के कंटिन्यू देख कर जाना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आपके मोबाइल फोन में घड़ी है, टाइम है, तो दोस्तों इसका यूज आप लोग सिर्फ समय देखने के लिए करते होंगे। बट दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका एक ऐसा खुफिया हैक्स ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जो कि दोस्तों देखने के बाद बिल्कुल ही आप लोग चौंक जाओगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दिया है वो यूजफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट भी करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के घंटी के बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कर देना। तो चलते हैं दोस्तों फटाफट से अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे और इस कमाल की वीडियो को दोस्तों फटाफट से। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, मैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पे ये जो घड़ी दिख रहा है, यानी कि दोस्तों ये जो टाइम दिख रहा है, दोस्तों इसका यूज आप लोग सिर्फ समय देखने के लिए। मैं अपने मोबाइल फोन के अंदर दोस्तों इसका यूज एक यूनिक सीक्रेट कोड के लिए मैं करता हूं। दोस्तों कैसे करता हूं ये सब मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं एक एप्लीकेशन को ओपन करूंगा, तभी दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पे अच्छे से बता पाऊंगा, समझा पाऊंगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग इसे इनेबल करोगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे इनेबल लॉक का फीचर्स मिलता है। जैसे ही आप ओपन करोगे, यहाँ पे अलाउ बटन का एक मिलता है फीचर्स, इनेबल कर देना है। फिर से आपको यहाँ पे अलाउ पे ऐसे टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वापस से बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों फिर से आपको इसे इनेबल कर देना है यहाँ से। अब यहाँ पे दोस्तों इनेबल तो हो गया, अब आपको यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है। तो यहाँ पे मैं पहला फर्स्ट नंबर चूज कर लेता हूँ, वेयर यू बोर्न। तो यहाँ पे इसका आंसर भी दे देता हूँ, मैं यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देता हूँ। सेव पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या क्या किया है, सब कुछ यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं अपने मोबाइल फोन को ऐसे लॉक कर देता हूँ, यहाँ पे लॉक कर दिया, जैसा कि आप देख रहे हो मैंने अपने मोबाइल फोन को यहाँ पे लॉक कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने मोबाइल फोन के अंदर यहाँ पे पैटर्न ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो फिर भी मेरा मोबाइल यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे इस तरह से मैं फिर से यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन को लॉक कर रहा हूँ, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि मैंने फिर से यहाँ पे ऐसे अपने मोबाइल फ़ोन का पैटर्न डाला, यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। दोस्तों ऐसा क्यों, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फिर से कोई यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर 8:14 हो रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 08 यहाँ पे इस तरह से डाल दिया, ये ओपन हो गया। कमाल का दोस्तों फीचर्स है। यहाँ पे फिर से मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन को यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया, यहाँ पे पैटर्न डाल रहा हूँ, ओपन नहीं हो रहा है, फिर भी लॉक है मेरा मोबाइल फ़ोन। या मैंने इसे कैंसिल किया, 8:14 ही हो रहा है, तो यहाँ पे 08 यहाँ पे 14 ऐसे डाल दिया, ये ओपन हो गया है। यानी कि दोस्तों है ना कमाल का फीचर्स। यानी कि दोस्तों इस टाइम का यूज आप अपने पासवर्ड के रूप में कर सकते हो। होता क्या है दोस्तों कि जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन को अपने फैमिली परिवार या फ्रेंड्स के बीच रहते हो तो आपके मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड वो लोग जान लेते हैं, पैटर्न पासवर्ड जो भी लगाते हो। अब दोस्तों वो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर उंगली करते रहते हैं, लेके आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ओपन करते रहते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर सब कुछ आपका मोबाइल फ़ोन का फर्स्ट पैटर्न देखने के बाद भी वो आपका मोबाइल ओपन नहीं करेगा, क्योंकि उसे ये नहीं पता रहेगा कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो ये समय है यही आपका पासवर्ड है। यानी कि जितना टाइम हो रहा है वही उस टाइम का आपका पासवर्ड है। सो यहाँ पे दोस्तों ये एप्लीकेशन दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कैसे इंस्टॉल करोगे, इसके अंदर और भी क्या क्या है चीज़ें फीचर्स, वो मैं आप लोगों को सारा सब कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो और भी चीज़ें हैं दोस्तों। आप यहाँ पे अपने फ़ोटो को छिपा सकते हो, यहाँ पे प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हो ताकि किसी को पता ना चले, यहाँ पे छोटे मोटे गेम वगैरह भी होते हैं वो यहाँ पे खेल सकते हो। वैल्यूट के अंदर यहाँ पे जाते हो तो दोस्तों आप यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर टैप करते हो, अलाउ बटन पर ऐसे क्लिक करते हो, और दोस्तों आप यहाँ से अपने फोटो वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट करके, यानी कि ऐसे टैप करके और यहाँ पे हाइड कर सकते हो। तो दोस्तों है ना कमाल का फीचर्स। तो आप लोग दोस्तों मुझे ज़रूर बताना कि दोस्तों ये आप लोगों को एप्लीकेशन कैसा लगा। दोस्तों इसी तरह से यहाँ पे ब्राउजर में जाओगे आप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सारा सब कुछ यहाँ से चला सकते हो। दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर पता भी नहीं चलेगा कि आखिर ये कहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ये सारी चीज़ें करता है। यहाँ पे क्विज खेल सकते हो, और दोस्तों इतना होने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो
और भी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो अपने मोबाइल फ़ोन का यहाँ पे टेक्स्ट है, स्लाइडिंग जो करते हो वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे वॉलपेपर है, अच्छे अच्छे यहाँ पे वॉलपेपर दिए गए हैं, ये दोस्तों अपनी मनपसंद का वॉलपेपर लगा सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों वो जो मैंने आपको बताया कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर टाइम ही आपका पासवर्ड होगा, ऐसा आप लोग कर सकते हो। इसके अंदर दोस्तों है तो बहुत सारी फीचर्स, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं, आप इन सबको भी ट्राई कर सकते हो। अब इसी तरह से दोस्तों नीचे आओगे, एडवांस सेटिंग में आओगे तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर दोस्तों जितनी एप्लीकेशन है उनको भी हाइड करने का ऑप्शन मिलता है। एक छोटा सा ऐड देखोगे और इसके बाद आपका चुटकियों में काम हो जाता है। थीम बहुत सारे मिल जाते हैं आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, इस तरह से दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे थीम दिए गए हैं, यहाँ पे इस तरह आप लगा सकते हो। देख सकते हो कितना अमेजिंग यहाँ पे थीम दिया गया है। तो दोस्तों ये है बहुत ज़्यादा कमाल का फीचर्स। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप लोग कैसे इंस्टॉल करोगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल के प्ले स्टोर में आओगे और आपको यहाँ पे सर्च बार में लिखना है स्क्रीन लॉक टाइम पासवर्ड। फर्स्ट नंबर पे एप्लीकेशन आएगी और काफ़ी धांसू एप्लीकेशन है, 10 मिलियन से ज़्यादा लोग इसे यूज करते हैं, यानी कि दोस्तों 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसे यूज कर रहे हैं। काफ़ी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, रेटिंग रिव्यू वगैरह आप लोग पहले देख लेना, फिर ही इसके बाद आप ट्राई करना। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।